जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ये करना चाह रही हूँ। 3 महीने पहले मैंने एक करारदाद पेश की थी जो बिजली के हवाले से थी कि 5 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस जो बिजली पे लगते हैं और बिल जो भिजवाया जाता है, जब कोई इलाका आफत ज़दा करार दे दिया जाता है तो वहाँ पर 6 महीने बिल ही नहीं आते। और मेरा ख्याल है बलूचिस्तान, ये जितने अपोजिशन या गवर्नमेंट बैठी है, इस बात को मानेगी कि बलूचिस्तान इस वक्त आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया है सैलाब के बाद। तो उन इलाकों में भी बिजली के बिल आ रहे हैं जहाँ पर घर ही नहीं रहे, बह गए। तो ये टैक्स तो कम अज़ कम एग्जेम्प्ट किया जाए। लाहौर में कोई इस तरह का सैलाबी हालात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने जी एग्जेम्प्ट कर दिए वहाँ के टैक्सेस। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बार बार फ्लोर पे कह रही हूँ कि हमारी आवाम इस वक्त जिस कस्मा पुरसी के हालत में टैक्सेस फेडरल में डस्टबिन में चली जाती हैं। मुझे तो अब तक कोई भी करारदाद पे अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आया फेडरल से। 4 साल पहले मैंने ब्लू पासपोर्ट का किया था, वो भी 3 दफ़ा लाए, 3 दफ़ा रद्द हो गया है। अब ये बिजली की इतनी अहम वो है कि कम से कम आवाम थोड़ा रिलीफ मिले कि अगर जो ओरिजिनल टैक्स बिल है वो आए और टैक्स ना दिया जाए। तो इस पर भी कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ पर ठोस इकदाम होने चाहिए ना। प्लीज़ काइंडली इसको स्पीकर साहब आप देखें। थैंक यू।